गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, परिजन कल्याण समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया यूनिट 5 तो क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का शिक्षा और विज्ञापन के क्षेत्र में क्या योगदान है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया इन एडवर्टाइजिंग एंड एजुकेशन? अपन का क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का शिक्षा और विज्ञापन के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो सबसे पहले अपन जानते हैं मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। मल्टीमीडिया के प्रयोग से पढ़ाने में क्रांति आ गई है। विभिन्न एनिमेशन के प्रभाव से इच्छित विषय बहुत प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में वर्चुअल क्लासरूम की नई संकल्पना आई है, जिसमें ऑडियो विजुअल प्रभाव से छात्रों को पढ़ाया जाता है। मल्टीमीडिया के प्रभाव से पढ़ाने में क्रांति आ गई। विभिन्न एनिमेशन के प्रभाव से कोई भी विषय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में वर्चुअल क्लासरूम की भी नई संकल्पना आई है। पहले सभी किताबें पत्रिकाएं पेपर पर छपती थी, लेकिन वर्तमान में बहुत सी किताबें आदि सीधे मल्टीमीडिया की सहायता से कंप्यूटर में डाली जा सकती हैं, जिससे प्रशासक एवं स्कूल दोनों की लागत कम हुई है तथा सारे अधिक प्रभावी हुआ है। पहले क्या होता था, बहुत सी किताबें सीधे सभी किताबें पत्रिकाएं पर छपती थी, लेकिन आजकल बहुत सी किताबें सीधे मल्टीमीडिया की हेल्प से कंप्यूटर में डाली जाती हैं, जिससे प्रशासन एवं स्कूल दोनों की लागत कम हुई है तथा सारे और भी अच्छे तरीके से होने लगा है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से छात्रों का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण में सुधार आता है। मल्टीमीडिया अनुप्रयोग छात्रों को याददाश्त बढ़ाने में सक्षम बनाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मल्टीमीडिया अनुप्रयोग सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बना सकते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से छात्रों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बढ़ता है। मल्टीमीडिया अनुप्रयोग छात्रों को यादा क्षमता बढ़ाने में शैक्षिक उद्देश्य के लिए यादा क्षमता बढ़ाता है। शैक्षिक उद्देश्य के लिए मल्टीमीडिया अनुप्रयोग सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बना सकते हैं और पढ़ाई के तनाव को कम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से हम कुछ भी सीखने के उसको अच्छा बना सकते हैं। उद्देश्य को मल्टीमीडिया अनुप्रयोग सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बना सकते हैं और पढ़ाई के तनाव को भी कम कर सकते हैं। विभिन्न जटिल विषय एनिमेशन की सहायता से बहुत सरलता से समझाया जा सकता है। जितना भी टफ विषय हो, एनिमेशन की हेल्प से हम उसको आसानी से समझा सकते हैं। इस प्रणाली से कठिन विषय को बार बार देख सकते हैं, जिससे कठिन विषय समझने में आसानी हो सकती है। इसकी हेल्प से हम कोई से भी कठिन विषय को बार बार देख सकते हैं। बार बार देखने से वो कठिन विषय हमें समझने में आसान हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग अत्यधिक होता है। विद्यार्थियों को आसानी के साथ कम से कम समय में शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया एक वरदान साबित हुई है। स्कूलों में मल्टीमीडिया का अधिक प्रयोग होता है। मल्टीमीडिया की हेल्प से विद्यार्थियों को आसानी के साथ कम से कम समय में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मल्टीमीडिया के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी इंटरेक्टिव मैगजीन और समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से अपन ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से स्टूडेंट इंटरेक्टिव मैगजीन और समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक फिल्म के माध्यम से नई नई चीजें सीख सकते हैं। स्कूल में किसी शिक्षाप्रद फिल्म बच्चों को दिखा सकते हैं। 3D गेम्स की सुविधा स्थलों में किया जा सकता है। इंटरेक्टिव टीवी के माध्यम से एक ही कैंपस के विभिन्न लोकेशन को एक कक्षा के शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से इंटरेक्टिव टीवी के माध्यम से एक ही कैंपस के विभिन्न लोकेशन को एक ही कक्षा में एक शिक्षक के साथ जोड़ सकते हैं। सप्ताह में एक दिन बच्चों को मूवी दिखाकर मनोरंजन कराया जा सकता है। स्कूल में एक हफ्ते में एक बार स्टूडेंट को एक मूवी दिखाता, जिससे स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उससे बच्चों का मनोरंजन कराया जा सकता है। विद्यालय की वेबसाइट बनाकर जरूरी सूचनाओं जैसे एग्जाम की सूचना, छुट्टी की सूचना, ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से विद्यालय की वेबसाइट बनाई जा सकती है, जिसपे जरूरी सूचना जैसे कि एग्जाम की सूचना, छुट्टी की सूचना, ऑनलाइन फीस जमा करना आदि सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट और वेबसाइट डिजाइन के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से स्टूडेंट को वेबसाइट, इंटरनेट इन सब के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। पिछले अब अपन जानते हैं विज्ञापन के बारे में। अभी तक अपन ने एजुकेशन के बारे में जाना कि मल्टीमीडिया में शिक्षा का क्या महत्व है। अब अपन जानेंगे मल्टीमीडिया में विज्ञापन का क्या महत्व है।
पिछले कुछ दशकों में विज्ञापन का रूप बहुत बदल गया है और ये मुख्य रूप से व्यापार में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण है। पिछले कुछ दशकों की विज्ञापन का रूप बिल्कुल पूरे तरीके से बदल जाए और ये व्यापार में इंटरनेट के बढ़ते हुए उपयोग के कारण हुआ है। मल्टीमीडिया विज्ञापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन चाहे जो भी हो, वे पहले पेशेवरों के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते कंप्यूटर पर तैयार होते थे और फिर इसे लक्षित दर्शकों के सामने लाया जाता था। पहले क्या होता था, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन कोई सा भी विज्ञापन हो, वो पहले पेशेवरों के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर पर तैयार होते थे और फिर इसे लक्षित दर्शकों के सामने लाया जाता था। मल्टीमीडिया व्यवसाय को अपने लक्षित दर्शकों से जोड़ने और प्रतिस्पर्धा से खुद को अलग करने में मदद करके मार्केटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मल्टीमीडिया मार्केटिंग एक व्यापक मार्केटिंग रणनीति है जो किसी ब्रांड के संदेश को उसके लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के विभिन्न रूपों का जोड़ती है। विभिन्न मल्टीमीडिया प्रारूपों के माध्यम से कंपनी अपनी कहानी बता सकती है। मल्टीमीडिया मार्केटिंग की हेल्प से हमने जो भी ब्रांड तैयार किया है, उसके बारे में हम जो भी संदेश हमारे कस्टमर्स को देना चाहते हैं दे सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से कहानी आप बता सकते हैं अपने कस्टमर्स को कहानियाँ बता सकते हैं, अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दे सकती है, अपने उत्पादों का उपयोग कैसे करें और भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं। उत्पाद जो अपन बता रहे हैं उसके बारे में अपन बढ़ावा दे सकते हैं या उसका उपयोग किस टाइप से किया जाना चाहिए वो भी अपन मल्टीमीडिया की हेल्प से बता सकते हैं। ये उपभोक्ताओं को संलग्न करने, सूचित करने और मनाने के लिए पाठ, चित्र, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव सामग्री और अन्य मल्टीमीडिया तत्वों के मिश्रण का लाभ उठाता है। इसकी हेल्प से हम अलग अलग तरीके से, जैसे चित्र की हेल्प से, ऑडियो वीडियो इन सब की हेल्प से अपने कस्टमर को अपने ब्रांड के लिए आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। मल्टीमीडिया विज्ञापन में कैसे उपयोगी है, ग्राहकों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, बेहतर संपर्क और समझ बनाने के लिए, ग्राहक सहभागिता के माध्यम से उत्पादों की स्थिति और ब्रांड बनाने के लिए, उत्पादों और सेवाओं के प्रति निष्ठा विकसित करने के लिए, भावनात्मक रूप से जोड़ना। मल्टीमीडिया विज्ञापन में कैसे उपयोगी, मल्टीमीडिया की हेल्प से ग्राहकों की स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, बेहतर संपर्क और समझ बनाने के लिए, ग्राहक सहभागिता के माध्यम से उत्पादकों की स्थिति और ब्रांड बनाने के लिए। मल्टीमीडिया में विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है जिससे बाजार में विज्ञापन का प्रदर्शन एवं प्रभाव अधिक होता है। इस सरल विज्ञापन की अपेक्षा जिस विज्ञापन में एनिमेशन, ध्वनि आदि प्रभावों का प्रयोग किया तो उसे अधिक लोग देखते हैं तथा ज्यादा पसंद करते हैं। इससे इस उत्पाद तथा सेवा की बिक्री में वृद्धि होती है। मल्टीमीडिया की हेल्प से अपन जो भी विज्ञापन तैयार करते हैं उसमें एनिमेशन, ध्वनि इन सब का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, लोग उसे देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, मतलब उसे देखना पसंद करते हैं। इससे उस उत्पाद तथा सेवा की बिक्री में वृद्धि होती है। विभिन्न एनिमेशन, ग्राफिक एवं फोटो एडिटर टूल के प्रयोग से बहुत आकर्षक डिजाइन बहुत कम समय में बना सकते हैं। थैंक यू।